वेलकम बैक टू माई चैनल। आज के वीडियो में मैं क्रिएट करने वाली हूँ दिशा पाटनी का ये खूबसूरत सा लुक, जो उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म मलंग के मूवी प्रमोशन में यूज़ किया था। इसके लिए मैंने अपनी आईब्रो सेट कर ली हैं और मैं अपने कट क्रीज पर लगा रही हूँ बहुत ही लाइट पिंक शेड का आई शेडो, और यू कैन से दिस इज़ वी कैन यूज़ एज अ ट्रांजिशन शेड एज वेल, बिकॉज इसमें जो दिशा का लुक है वो बहुत ही वाइब्रेंट है और उन्होंने काफ़ी अच्छे से अपने इस लुक को कैरी किया है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ, जिसके लिए मैं हुडा ब्यूटी सफायर ऑब्सेशन से ये ब्यूटिफुल सा ब्लू कलर का शेड ले रही हूँ और अपने अपर आईलेट के ऊपर लगा रही हूँ। यहाँ पर हम आई लाइनर या फिर काजल का इस्तेमाल कम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही प्यारे तरीके से हम एक लाइन बिल्ड कर रहे हैं। और यहाँ पर मैंने अपने ब्रश को अपने सेटिंग स्प्रे में डिप कर लिया है और वही आई शेडो पैलेट से ये पर्पल कलर का शेड लेकर मैंने ऊपर स्टार्टिंग कर दिया है एक लाइनर के जैसे अपनी आई पर बहुत ही खूबसूरत सी सीधी लाइन क्रिएट करने के लिए, और जो मुझे बहुत ही परफेक्ट लुक देगी जैसा कि दिशा की पिक्चर में मैंने देखा था और जितना मुझे समझ आया है। और इसकी ख़ास बात यह है कि अगर हम सेटिंग स्प्रे में डिप करके अपने ब्रश को फिर आई शेडो अप्लाई करते हैं तो इससे हमें पिगमेंट बहुत ही अच्छा मिलता है एंड एज यू कैन सी कलर बहुत अच्छा आ रहा है। तो अब सेम हुडा पैलेट से हमने स्पार्कली और यू कैन से ग्लिटरी ब्लू शेड लिया है, ये शिमरी शेड, और मैं इसे नीचे अपनी वाटर लोअर लैश लाइन के नीचे लगा रही हूँ जिससे मेरी आंखों को एक बिग इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि दिशा की आईज़ तो ऑलरेडी बड़ी हैं लेकिन मेरी आईज़ थोड़ी सी छोटी हैं, इसलिए मैं उसे बड़ा इफेक्ट देने के लिए थोड़ा यहाँ पर लाइन मोटी कर रही हूँ। अब इसके बाद में हम कर रहे हैं अपनी वाटर लाइन को ब्लैक काजल से बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार। इसके लिए मैंने यहाँ आज स्टे क्विकली का ब्लैक काजल लिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है, डार्क है, स्मच प्रूफ है और इजी टू एप्लीकेबल है, और ये मेरे पूरे लुक को काफ़ी अच्छे से डिफाइन भी करेगा क्योंकि ये इतना डार्क है, लगने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो अब बारी आती है आई लैशेस कर्ल करने की, और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पार्ट है मेकअप का। यहाँ पर मैं ले रही हूँ, अमेज़ोन से ख़रीदा था मैंने ये बहुत ही खूबसूरत सा आई लैशेस कर्ल और जो बहुत ही इजी टू यूज़ है, और ये इसको कर्ल करने के बाद मैं मस्कारा लगा रही हूँ जो है लैकमे का, और बहुत ही अच्छा है ये फुल वॉल्यूम मस्कारा है, ये मेरे आई लैशेस को काफ़ी अच्छे से डिफाइन करता है और इसको अक्सर मैं अपने मेकअप वीडियोस के लिए यूज़ करती हूँ क्योंकि इसका वॉल्यूम काफ़ी अच्छे से आता है। अब मैं दिशा के लुक को ध्यान में रखते हुए बहुत ही बारीक सा लाइनर अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरी आंखों को एक कंप्लीट लुक मिले, और मैंने यहाँ पर कोई भी फॉल्स लैशेस यूज़ नहीं करे हैं क्योंकि मैं आज इस लुक को ऐसे ही कंप्लीट करना चाहती हूँ। लेट्स सी कैसा आता है, बट आई होप आपको ये पसंद आएगा। तो हम यहाँ पर लगा रहे हैं बहुत ही बारीक लाइनर। ऑल राइट, सो आई मेकअप मेरा कुछ ऐसा दिख रहा है जो मुझे लगता है काफ़ी हद तक मैंने अचीव कर लिया है दिशा के लुक जैसा सिमिलर। और लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ नायका की म्यूट लिपस्टिक, ये बहुत ही प्यारी है, शेड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। और मेरे पास जो दिशा पाटनी ने लिपस्टिक लगाई है अपने इस लुक में उसके सबसे क्लोज यही थी म्यूट शेड में, तो इसलिए मैं यहाँ पर नायका की ये खूबसूरत सा लिप शेड यूज़ कर रही हूँ जो है आई गेस इन बॉम्बे शेड। और मेरी पूरी मेहनत करने के बाद कुछ ऐसा लुक मैंने अचीव किया है, तारा आई होप यू लाइक इट। और भाई मुझे तो अपना ये लुक काफ़ी हद तक आसपास लग रहा है दिशा के लुक से, ऑब्वियसली उसके फेस कट, उसके एक्सप्रेशंस काफ़ी डिफरेंट है मेरे से, और हम एक जैसे तो नहीं लग सकते, बट हाँ मैं अपने इस लुक से काफ़ी हद तक सेटिस्फाई हूँ। लेकिन आप सभी को क्या लगता है कि कितने परसेंट तक मैंने दिशा पाटनी का ये मलंग फिल्म का लुक अचीव किया, आप कॉमेंट ज़रूर करें। एंड येस, डोंट फॉरगेट मी टू फॉलो ऑन माई इंस्टा बाय द नेम स्टाइल विद शिवी एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू हियर। थैंक यू।